दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप यूपी के रहने वाले हैं यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अब आप अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप जमा करते थे और ऑनलाइन जमा करते थे, ऑफलाइन जमा करते थे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जमा करते थे, लेकिन अब अपना अकाउंट नंबर आप डालते हैं तो वहां पर आपको कुछ दक्षिणांचल के तरीके कुछ लिख कर आ जाता है। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपका बिजली का बिल जमा होगा, कैसे आपका दिखाई देगा, तो बस वीडियो को ध्यान से देखना तभी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम आपको बता देते हैं कि बिजली विभाग की तरफ से एक नया नियम निकल के आ चुका है। अब आपका जो पुराना वाला अकाउंट नंबर था उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो आपको मिला था वो आपका अकाउंट नंबर पुराना है और एक आपका नया अकाउंट नंबर बना दिया गया है और उसका बिल आपका दक्षिणांचल विद्युत निगम वितरण के वेबसाइट पर या आप समझ सकते हैं कि इस बिजली घर में आपका जमा होगा। तो आखिरकार आपको नया अकाउंट नंबर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप यहां से फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहां पर आप बिजली घर में जाएं यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करते हैं इस तरीके से। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जब आप यहाँ पर अपना पुराना वाला अकाउंट नंबर डालते होंगे, पुराना वाला अकाउंट इस तरीके से होगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो अगर आप ये वाला डालते हैं तो आपके सामने यहाँ पर लिख कर आ जाता होगा अनेबल या आपके सामने आ जाता होगा दक्षिणांचल, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम लिख कर आ जाता होगा और आपका बिजली का बिल आपको दिखाई नहीं देता होगा जैसे हमारे पास आ चुका है। तो आखिरकार आपको यहाँ पर अपना नया वाला अकाउंट नंबर पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आपका नया अकाउंट नंबर यहां पर निकलेगा जाकर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। अब आपका बिजली का बिल इस वाले वेबसाइट पर जमा होगा या इस वाले बिजली घर पर जमा होगा, तो इसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। पुराना वाला छोड़कर आप नया वाला अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं। इस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आखिरकार अपना पुराना वाला छोड़कर नया वाला अकाउंट नंबर कैसे पता करेंगे, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखकर अपना पुराना वाला आप छोड़कर नया वाला अकाउंट नंबर पता कर लीजिए। और जब आपका अकाउंट नंबर नया वाला पता चल जाएगा तो फिर आप अपने यहाँ पर आप इस पर सर्च करेंगे और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपका बिजली का बिल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका नाम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पर मैंने अभी अभी एक नया वीडियो बनाया था, देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना पुराना वाला ओल्ड अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर पुराना वाला और यहाँ पर न्यू 10 डिजिट अकाउंट नंबर, हमारे सामने नया अकाउंट नंबर आ चुका है और आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। उस वीडियो को मैंने अभी अभी बनाया था और उसे अपलोड कर दिया है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद अब आ गया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। और अगर आप वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, न्यू अपडेट के बारे में बताऊंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप सीख पाएंगे कि आखिरकार कैसे क्या करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट करके हमें जरूर बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।